हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू उमा टॉक्स। एंड यस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था और उसके बाद प्रॉमिस किया था कि हाँ, आई कीप पोस्टिंग द वीडियो। सो आफ्टर दैट अगेन टुडे, बट इट्स लॉन्ग टाइम सिंस वी सैट टुगेदर एंड टॉक। तो आज फिर मैं वापस आई हूँ और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आपने मेरे साथ इतने दिन बैर किया कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैं नहीं आ पाई, सो सॉरी फॉर दैट। और अब ये प्रॉमिस है कि हर फ्राइडेज आपको एक वीडियो, वीक में एक दिन बस एक वीडियो आपको मिलेगा देखने को, और वो कोई भी टॉपिक रहेगा। तो आज इस टॉपिक पे, और प्लीज़ फ्रेंड्स, डू शेयर द वीडियोस, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यू रखता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द वीडियोस एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट। डू राइट हाउ यू फील, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो मैं उसको भी लूँगी। तो प्लीज़ ट्राई एंड सजेस्ट सम टॉपिक्स इफ़ यू वॉन्ट मी टू स्पीक अपॉन। सो अगेन थैंकिंग यू ऑल, आई स्टार्ट माई टूडेज टॉपिक। तो मैं बहुत दिन से ये देख रही थी कि एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस कर सकता है और करता है। अगर आप ऑफिस में हो तो बॉस के साथ बात करने में सच में दिल धड़कने लग जाता है। स्टूडेंट्स टीचर्स के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। घर में बच्चे जिद तो करते हैं, बट कम्युनिकेशन समवेयर दे लैक। तो कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन फ्रेंड्स, जैसे सब्जेक्ट हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन, तो इंग्लिश या हिंदी ये एक सब्जेक्ट हो जाता है और कम्युनिकेशन एक कला। तो ये कला जो है, जो बात करने की कला, जो फ्लुएंसी, ओके, दिस वी हैव टू डेवलप। और ये डेवलप कैसे करना होगा? सबसे पहले तो आपको लिसनर बनना होगा। लिसनर, कुछ लोग बात सुनते नहीं है, बीच में अपनी बातें बोलने लग जाते हैं। तो आपको सुनना होगा कि टॉपिक क्या है, या आपसे जो बात किया जा रहा है, आपसे जो पूछा जा रहा है, वो किस टॉपिक पे है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज वी मस्ट बी अ वेरी गुड लिसनर। ओके, सुनने की कैपेसिटी, सुनना है तभी तो हम बोल पाएंगे। दूसरा है कि हमको कुछ ना कुछ करते रहना है। कम्युनिकेशन के एक्चुअली थ्री यू कैन से पढ़ाव है। ओके, आप करते क्या हो? क्या आप पढ़ते हो? न्यूज़पेपर्स, बुक्स, रीडिंग। ओके, दैट रीडिंग आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन। तो रीडिंग, ओके, दूसरा राइटिंग है, ये जो तीन पढ़ाव में राइटिंग है, क्या आप कुछ लिखते हो? नहीं, राइटिंग नोट्स, नो, नॉट दैट। ओके, दिन भर आपने क्या किया, या नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, क्या आप कुछ नोट्स बनाते हो, तो वो राइटिंग में आ जाता है। और उसके बाद आता है अगेन फिर से लिसनिंग, कि आप किसी को सुनते हो क्या? ओके, भले वो यूट्यूब हो, कोई आपका आइडल हो, या आप कोई न्यूज़ रीडर्स हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी हो जो जिसको आप एडमायर करते हो, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो गैदर कर, जब वो कहता है तो लोग, जब वो बोलना शुरू करता है तो लोग सुनते हैं, तो ऐसा कोई है जिसको आप एडमायर करते हैं, तो उनको सुनिए। तो ये तीन चीज़ें हैं। और ये सेकंड पॉइंट में आता है कि हम करते क्या है, रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग टू somebody, ओके, somebody whom we admire, ये दो चीज़ हुआ। और तीसरा है कि हमको नए नए वर्ड्स भी सीखना होगा। ओके, नए नए वर्ड्स यानी एक डायरी और एक पेन तो होना है हमारे पास, और जब भी हमको कोई नया वर्ड मिले तो उसको नोट करना है, उसकी मीनिंग्स पता करना है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं वो देखना है। तो ये तीन चीज़ें अगर रहेगा तो डेफिनेटली विल बी एबल टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन में हमको कभी भी मुश्किल नहीं होगी, लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। और मैं तो ये बोलूँगी कि कम्युनिकेशन हम अपनी मातृभाषा से शुरू करें, मातृभाषा यानी हिंदी। तो अगर हम हिंदी में फ्लुएंट हैं तो धीरे धीरे इंग्लिश वर्ड सीख के हम उसमें भी फ्लुएंसी ला सकते हैं। घर
एंड कुकिंग, सो ये सारा चलता ही रहता है. सो दिस इज व्हाट, ये हमारा हुआ कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इंटरव्यू के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, जॉब के लिए हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जगह नहीं मिला, कम्युनिकेशन अच्छा है, ये स्किल में आप माहिर हो, तो डेफिनेटली यू विल रिक्वेस्ट समबडी, यू विल गेट अ सीट. ओके, स्कूल में फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ बेनिफिशियल. ओके, एवरीवेयर एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ दिस कम्युनिकेशन रियली हेल्प. सो दिस इज व्हाट फ्रेंड्स, एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. ओके, डू अप्रिशिएट एंड पुट योर कमेंट्स डाउन, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू एड्रेस सम अदर टॉपिक आई विल डू दैट. सो अगेन थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एज प्रोमिस्ड एवरी फ्राइडेज देयर विल बी अ वीडियो ऑन दिस चैनल. थैंक यू.